Copowered by Techno। मौलाना नदीबुद्दीन साहब हो, वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि मामला अदालत में है। रत्नाकर जी, हमजाब जी, अगर मामला अदालत में है तो क्या हम अपनी धार्मिक आस्था और अपनी भावनाओं को छोड़ दें? क्या हम अपने धर्म का त्याग कर दें? क्या योगी आदित्यनाथ अगर संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो उनके नाम से योगी शब्द निकाल दें? अरे वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। जो हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रख करके और वो तीनों जो जिसे भारत की जिसे पहचान है, काशी, अयोध्या और मथुरा, ये तो हमारी पहचान है ना, भारत की पहचान इन्हीं से है। और हम अपनी पहचान को अगर फिर से स्थापित करने की बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि इनको नहीं बोलना चाहिए और कोर्ट कचहरी में मैटर है। देखिए, ये वही लोग हैं अमिताभ जी, जब ही हामिद अंसारी कहते थे कि नहीं, पहले मैं उपराष्ट्रपति नहीं हूं, मैं पहले मुसलमान हूं, तब ये कुछ नहीं बोलते थे। तो भाई, तो संवैधानिक पद में बैठे हैं, पहले अपने धर्म को आगे करते हैं, फिर संवैधानिक पद की बात करते हैं। आज अगर हम कहते हैं अपनी पहचान को कायम रखने के लिए और पहचान को बनाए रखने के लिए, तो ये कहते हैं कि कोर्ट में मैटर है। भैया, आप बोलो मत, आप जो है इस पे कदा भी मत बोलो। ये हमारी आस्था का विश्वास, आस्था का प्रश्न है, हमारे धर्म का प्रश्न है, हमारी एकजुटता का प्रश्न है, अखंडता का प्रश्न है। हम निश्चित रूप से इस पे बोलेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये कह रहे थे चंदा चोरी की। सुनो, तुम्हारी बात ही कह रहा हूँ, अभी अगली बात तुम्हारी कह रहा हूँ। एक बार मुन्ना खान साहब रुकना होगा, केवल रत्नाकर सिंह तुम्हारी बात कह रहा हूँ। अभी अमिताभ जी, जब मंदिर की बात आती थी तो ये कहते थे कि अरे वो जमीन विवादास्पद है, उसको हॉस्पिटल को दे दो, उसको सरकारी स्कूल खोल दो। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये खान जी जो बैठे हैं और जो मौलाना यहाँ पे बैठे हैं, ये वक्फ बोर्ड की इतनी जमीनें हैं, इतने लाख हेक्टेयर की जमीनें हैं इनके पास, वो दे दो ना भैया स्कूल के लिए, वो दे दो ना हॉस्पिटल के लिए, वो दे दो ना राष्ट्र के विकास के लिए। तो जब इनकी पारी आती है तो ये कुछ नहीं बोलते हैं, और जब हमारी जहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है, हम कहते हैं कि भैया इसको छोड़ दो, इसको काशी और मथुरा को छोड़ दो, हम अपने हमारे आस्था का, हमारे इष्ट देव की बात है, हम उसमें मंदिर बनाएंगे। तब तो वो कहते हैं नहीं, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इसको अभी इसमें कुछ नहीं कहना चाहिए। देखिए, ये वही मौलाना और यही खान हैं। जब हम ज्ञानवापी की बात कहते हैं तो कहते हैं कोर्ट में मसला है, इस पे मत बोलो। आज जब वही कोर्ट जब फैसला सुना देता है, जब राम मंदिर का फैसला सुनाता है तो कहते हैं कि नहीं, वो तो मस्जिद था, वो आप लोगों ने गलत किया, आप लोगों ने तोड़ा। तो ये सुविधा की बात करते हैं। जब इनके हक में रहेगा तो संविधान का हवाला देंगे और इस तरह का हवाला देने का काम करेंगे। लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है कि नहीं, वो राम मंदिर था और वहां पे भव्य मंदिर बनता है, तो कहते नहीं, ये तो गलत फैसला हो गया, ये तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है अत्याचार कर रही है, और वहां पे मस्जिद था। आज मौलाना कह दे यहाँ पे कि नहीं, वहां पे मस्जिद नहीं था, राम मंदिर ही था, तो मैं मान जाऊंगा। अरे भारत, काशी का एक एक बच्चा, अमिताभ जी मैं खुद स्वयं काशी से हूँ, काशी का एक एक बच्चा जानता है कि उस मंदिर को औरंगजेब ने तहस नहस करके और उस पर मस्जिद बनाया है। अभी आपने रावत साहब की बात सुनी और एकदम सत्य है, वहां पे आप एक गुंबद को ऊपरी सतह से हटा दीजिए तो वहां पे पूरा का पूरा वो मंदिर नजर आएगा। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, वहां पे फूल है, त्रिशूल है, वहां पे जो पौराणिक चीजों से जुड़ी हुई नक्काशियां हैं। आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टिया आपको लगेगा कि यह मंदिर को तोड़ा गया है और उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये कोर्ट का हवाला देंगे। भैया, कोर्ट में मैटर है, कुछ मत बोलो, योगी जी को भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपके पक्ष में जब कोई बोलता है, हामिद अंसारी अगर बोल देते हैं कि नहीं, पहले मैं उपराष्ट्रपति नहीं हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, तब आप उस पर कोई नहीं, हाँ वो तो ठीक कह रहे हैं क्योंकि आपके कौम से है वो। तो ये किस तरह भाई आएंगे, मौलाना साहब चलेंगे, रत्नाकर भाई, ठीक बात है। मौलाना साहब, कोर्ट की अपनी मर्यादा है और उसका अपना रुतबा है, लेकिन लोकतंत्र में यह संभव नहीं कि जो विषय कोर्ट में है उन पर बोला ना जाए। तब तो लोकतंत्र गूंगा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा ना। कोर्ट की अपनी मर्यादा है, मर्यादा सिर माथे, लेकिन ऐसा संभव नहीं। कोर्ट में तो करोड़ों मामले हैं तो पूरा देश गूंगा हो जाए, नहीं ना। ये व्यवहारिक सच नहीं है। अदालतें अपना फैसला देती हैं, लेकिन लोकमत भी कोई चीज होता है, लोकमत भी कोई चीज होता है। और एक बड़ी बात बताएं मौलाना साहब, शायद आपके निगाह से गुजरी कि नहीं गुजरी मुझे नहीं पता, रावत साहब ये नई चीज बता रहे हैं हम। ताजमहल को मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, मुन्ना खान साहब के पार्टनर जो दल है, मौलाना साहब सुन लीजिए, मुलायम सिंह जी की सरकार थी 2005 शायद। समाजवादी पार्टी के एक एमएलए सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। क्या ताजमहल को सुन्नी वक्फ बोर्ड का की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, समझ रहे हैं ना आप। ताजमहल को बोले लो कर लो बात। क्या मामला अदालत में गया तो मालूम है वक्फ बोर्ड की तरफ से कौन लड़ने आया था। मुलायम सिंह की सरकार ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड को दे दिया, और उसके बचाव में कौन उतरा? मुन्ना खान साहब की पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद। मौलाना साहब समझिएगा, बोले नहीं नहीं ये वक्फ बोर्ड की है। कोर्ट ने पूछा कैसे? बोले शाहजहां ने वक्फ किया था इसको। कोर्ट ने मालूम क्या पूछा था मौलाना साहब? कोर्ट ने कहा था यह संपत्ति शाहजहां की है, यह सिद्ध करने के लिए कागज दिखाइए। क्या? शाहजहां की वसीयत दिखाइए। क्या? नहीं मिला। कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। क्या? योगी जी के आने के साल भर बाद वो कागज पत्तर दफन हुआ बड़ी मुश्किल से, नहीं तो ये जमीनों का तो यही है कि बोले नहीं, और औरंगजेब ने वक्फ की थी ये काशी, ये ज्ञानवापी औरंगजेब ने खरीदी थी जमीन। मौलाना साहब वो मालिक थे नहीं थे, कैसे वक्फ कर दी? जो जो नियम जो बात अदालत ने ताजमहल को लेकर पूछी, वरना तो आप लोगों ने ताजमहल भी खुर्द बुर्द कर दिया था। क्या वहां फिर आप चिकन मटन की दुकानें खुलवा देते सब लोग मिलके, नहीं आमलेट की, और जो उससे पैसा आता वो जेब में जाता, यही न करते। मान लीजिए अगर सरकार नहीं अड़ती बात की और कोर्ट ये नहीं कहता मौलाना साहब, तो यही होता ना जो जामा मस्जिद में हो रहा है, नहीं? यही तर्क फिर सब पर लागू है कि औरंगजेब कर गए थे, कि शाहजहां कर गए थे, कि बाबर कर गए थे वक्त। मौलाना साहब देखिए सुनिए, अभी रत्नाकर सिंह है वो भाजपा के प्रवक्ता है, बाबरी मस्जिद से लेकर के बहुत सारी वो बातें कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, फना क्या कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप मामला जब सब जुडिश है, जब भी भाजपा वही कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मामला मौलाना जी अभी हम मानते हैं कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद गलत तरीके से बनाया गया था, ये मानते हैं आप? अभी जब कोर्ट का फैसला आ गया तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये बता दीजिए मुझे खाली, बस। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद था वहाँ पे कि नहीं था ये बता दीजिए आप खाली। आप अगर आपको लगता है कोर्ट के पहले फैसले को एक्सेप्ट करते हैं आप, मस्जिद नहीं था ना वहाँ, बाबरी मस्जिद नहीं था ना, आप बोल दीजिए, बोल दीजिए। अरे आप लोग सुविधा की राजनीति करते हैं भैया। रत्नाकर जी अभी रुकिए, अभी अभी मौलाना साहब की आप बात आ जाए, अभी रुकिए फिर जी मौलाना साहब जी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। एएसआई की रिपोर्ट है, आप क्या करके देख लीजिए। मालूम जब मंदिर का निर्णय आ चुका तो हर मुसलमान ने वेलकम कहा, किसी ने कहा आप जिनकी बात कर रहे हैं, किस मुसलमान ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, सबने कहा कि मामला खत्म हो गया। उसके बाद वर्शिप एक्ट बना, जब पार्लियामेंट के अंदर वर्शिप एक्ट आया तो वर्शिप एक्ट में कहा गया कि 1947 में जो मौकूफ है, जो पोजीशन है वो हमेशा रहेगा। उसके बावजूद ये मामला अदालत के अंदर गया। अगर आप गड़े मुर्दे खोलेंगे तो मैं आपसे पूछता हूँ, बोध गया किसने मिटाया, बोध बिहार किसने मिटाया? बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके वहां मंदिर बनाई है, तो क्या ये सब करते रहेंगे? अरे सुनिए, पहले तिरुपति मंदिर किस पर है? मैं पूछ रहा हूँ क्या गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे? लाखों स्तूप जो अशोका के थे वो किसने उखाड़े, किसने मिटाए? मैं कहता हूँ कि जब जब भारत आजाद हुआ, संविधान बन गया, तो 1947 के बाद ये बात करिए। मुगल क्या करे? अरे मुगल लुटेरे थे, मुगल चीटर थे, मुगलों से हमारा क्या रिश्ता? नदीम साहब यही पैदा हुए, हमारे माँ बाप यही के थे। हम कोई अरब से नहीं आए, हम अरब से नहीं आए, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम यहीं के रहने वाले। क्या जरूरत है मुझे औरंगजेब से क्यों जोड़ते हो, बाबर से क्यों जोड़ते हो? नहीं मौलाना साहब, अभी रुकना होगा मौलाना साहब। ठीक, आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ इसलिए जोड़ना का मसला नहीं, मसला ये है हर भारत के सनातन के जितने भी मान बिंदु हैं उन सबके विरुद्ध जो तर्क दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि मुगल बादशाह ऐसा कर गए थे। जिंदा तो आप रखे हो मुगल को, हम तो करें दफनाओ, हम तो करें दफनाओ, कौन है मुगल? अरे बिल्कुल। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट। औरंगजेब की ताबीज पहन के कौन घूम रहा है? औरंगजेब की ताबीज पहन के कौन घूम रहा है बनारस में? वही लोग घूम रहे जो कह रहे कि नहीं हो जिले इलाही जमीन वक्फ कर गए थे, जिले इलाही लाए थे जमीन, जिले इलाही के बाबा बाबर लाए थे जमीन, घोड़े पर रखे, जमीन हमारी, लगान हमारा, जिससे ये बनी इमारतें, बनाने वाले हमारे, और ठप्पा मुगल का लग गया। बोले ना ये मुगल है। अगर मुगल से अलग होना है मित्र मौलाना साहब तो बड़ी लकीर खींचनी होगी, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। मुगलों ने सिर्फ मस्जिद ही नहीं बनाई अमिताभ जी, मुगलों ने मंदिर भी बनाया है। तो क्या जो मस्जिद के लिए आप बात कह रहे हैं क्या मंदिर के लेंगे? कड़वा कड़वा और जो है मीठा मीठा आप भी मत करिए, आप भी एक तरफ की बात मत करिए। मेरा मानना है कि 400 साल से मस्जिद थी, जब एतराज नहीं हुआ। ये 2014 से शुरू हो गया, अभी शुरू हो रहा है, अभी एतराज हो रहा है, यहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर है, तो पूरे भारत में यही एतराज चलेगा। तो फिर तमाम ठीक मौलाना साहब, ठीक मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूँ। रावत साहब का मौलाना साहब ठीक है, 400 साल का मसला नहीं, दुनिया का कोई दूसरा मजहब, कोई मजहब 300 साल 3000 साल के पार नहीं गया रावत साहब। ये केवल सनातन है जो एंडलेस है, क्या जिसका उद्भव ही नहीं पता, बाकी सब 3000 साल के भीतर हैं, छोटे बड़े मिला के। 400 साल का मौलाना साहब ने उदाहरण दिया कि 400 साल से मस्जिद थी। मैं कह रहा हूं जहां 1500 साल से मंदिर था उस पर भी आपने ठप्पा लगा दिया, तो 400 साल बड़ा है कि 1500 साल 1500 साल? रावत साहब। अमिताभ जी देखिए, अभी नमुद्दीन साहब ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो आप देखिए अलग सा मस्जिद की बात भी आएगी। वहां विवाद तो यहूदी और ईसाइयों का था, बीच में मुसलमान कहां से घुस गए उसके अंदर? अगर गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो फिर हाजिया सोफिया जो चर्च है उसकी बात भी होगी, क्योंकि वो चर्च था बहुत बड़ा और उसको अभी वहां तुर्की के अंदर उसको मस्जिद बना दिया गया। क्यों ये सब चीजें उखड़ेंगी नहीं क्या इतिहास के अंदर? अगर ये सब चीजें वर्ल्ड के अंदर हुई हैं तो हिंदुस्तान के अंदर भी हुई हैं। और अगर हमारी मान सम्मान और इज्जत और हमारा धर्म और हमारी आस्था अगर इस प्रकार से गड़े मुर्दों की तरह तो उखड़नी ही चाहिए, क्योंकि जब कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना तो सीबीआई गड़े मुर्दे भी उखाड़ती है और उसका DNA कराती है कि कहानी क्या थी। तो ये स्थितियां आज इतने बड़े 100 करोड़ हिंदुओं के बीच की आस्था का मामला है, अगर इसमें गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं तो उखड़ने भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब औरंगजेब का लेटर है कि इसको ध्वस्त कर दिया जाए, वो अभी भी लेटर रखा हुआ है, तो उससे ज्यादा रह क्या जाता आपके पास बोलने के लिए? आप कौन से 400 साल की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को प्यार के साथ योगी जी ने जो कहा है उनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये अयोध्या, मथुरा, काशी, आपने देखा है कि यहां पर काशी के अंदर भी कैसी स्थिति है। आप खुद इस्लामिक स्कॉलर होकर के अगर दर्शन करने जाएं या वहां नवाज अदा करने भी जाते हैं तो आप ये बोलोगे इसको हटा दो यहां से, ये गलत है और ये बहुत गलत कर रखा है वहां के लोगों ने, आपको ये बर्दाश्त नहीं होगा। चारों तरफ वहां पर हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं, धूप बत्तियां अगरबत्तियां चल रही हैं, घंटा घटियाल बज रहे हैं, वहां पर अभिषेक हो रहा है और आप बीच में छोटी सी गुम्बद लेकर के वहां बैठे हुए हैं, और वो भी आपने नंदी को और शिवलिंग को अलग कर रखा है वहां पर, और बजूखाना जैसे पाप कर रखा है। ये पाप आपके गड़े मुर्दों में उखाड़े जाएंगे सारे के सारे, ये आपके पाप हैं। अगर आपके इस्लाम के अंदर पाप मानते हैं तो ये जघन्य पाप है, ये जघन्य अपराध है कि एक पूजा स्थल जो हिंदू की आस्था का केंद्र है वहां पर आप हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं। इससे बड़ा जघन्य पाप कोई वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। और ऐसा इस्लाम अगर इस प्रकार की बातें करता है तो इस्लामिक वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए नमुद्दीन साहब, इज्जत हिंदुओं की भी करिए, उनकी आस्था की भावनाओं की बात करिए। कभी आपके पूर्वज भी हिंदू थे। आप ये बात सच है कि आप अरब से नहीं आए, या आपको ये भी बात पता कि आप ईरान इराक से नहीं आए। आप हमारे ही भाई हैं, हमारा ही डीएनए। हमारी इज्जत और हमारी आस्था को आपको ध्यान में रखना चाहिए। गड़े मुर्दे उखड़ने पर तो बहुत कुछ उखड़ जाएगा।